दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज चल दिए हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में, चल दिए हैं ऑफिस की तरफ। ना अगर पहले ही जा चुका है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने 302-303 कर दिए। तो बस उम्मीद यही है कि एक महीने के अंदर हम लोगों को 1K पहुंचना है। तो भाई अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो चलते हैं ऑफिस की तरफ और वहाँ दिखाते हैं आपको फिर। गजब की चीज दिखाता हूँ मैं अभी। ये देख रहे हो क्या हो रहा है रोड पे। ये मेन रोड है, मेन रोड, ये मोहन कॉपरेटिव का। और ये भाई देखो हमारा लैंड रोवर, रेंज रोवर का शोरूम, जैगवार का शोरूम। और शोरूम के बाहर ही देखो क्या हालात, गजब नजारे भाई। चाहे सुबह 8 बजे आ जाऊं या रात को 10 बजे, दिल्ली में जाम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ओखला अंडर पास पे पिछले 10 मिनट से खड़े हैं और पहले गियर पे गाड़ी 5-7 चल के ब्रेक लग जाती है। कैसे बैठा खाली? अरे क्या तरीका आई, तू क्या देख रहा भाई? सौरभ जोशी ब्लॉग है। सौरभ जोशी ब्लॉग दिखाई जरा, एक दिन तू मेरा भी देखेगा, ऐसी चिंता मत कर। देखते हैं बस, यही प्यार चाहिए मुझे तुम लोगों से। आज आ गई है मौज, आज आया लोगों के घर से खाना। तो अभी आपको खाना दिखाते हैं क्या क्या मस्त खाना आया आज। पुलाव, पोहा, पोहा इसके अंदर है, ये पनीर की भुर्जी, ठीक है, ये वेज बिरयानी, खीर, और वो क्या खा रहा है तू? रायता है। खीर है, रायता है भाई, रायता है। अच्छा मैंने टेस्ट नहीं किया ना, खीर जैसा लग रहा था। तू बता भाई क्या है वो? अबे ये बता ये क्या है, और ये क्या है फिर? अच्छा चलो जो भी है खाओ, मस्त मौज लो, तुझे बहुत ज्यादा हो सकता है। अरे हमारे असीम भाई के चस्के चलते हुए सीधा भोला जी के मुंह तक, ए ठंडक ठंडक एहसास हो गया। अरे गर्भवती महिलाओं को बहन है, कोक पीना फिर तुम क्यों पी रहे हो, काहे पी रहे हो भैया? कहचो कहचो कहचो, रोहित हमारा बर्तन धोते हुए भाई ढंग से दो साबुन वाबुन, ये मस्त तरीका चावा दो, और ढंग से भाई खाया तो धोएंगे भी इसमें। हाँ बिल्कुल धो, फिर ये भी धो देना बच्चे, अब ये तो साफ है बेटा। विक्की ने धोए हैं, चल दिए हैं भाई। अलमारी बंद कर दिया, पसर के बैठा है तू चौधरा आठ में। भाई साहब तहम तौलिया, हेलमेट, बैग, गर्म पानी की बोतल, लद्दाख जा रहा भाई। बैठ गए गाड़ी में और फिलहाल चल दिए घर की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है पर मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होगी पर पड़ नहीं रही है, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई चलते अब घर की तरफ। आज एक बात बतानी थी, आज एक बात चल रही थी डिस्पेंसरी में जब मैं वहां पर पहुंचा था तो ऑफिस से, कि एक कुपोषण करके कोई सरकार ने वो बचाया, जो गरीब बच्चे भुखमरी के कारण उभर नहीं पाते उनके लिए एक मैसेज चल रहा था। तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगा, 10-12 सेकंड का है। वहां पर एक डॉक्टर थी जो बता रही थी उस चीज के बारे में, तो वो भी आप देख लेना थोड़ा सा, मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर ऑफिस में आज सब लोग खाना भी लेके आए थे तो वो भी खाया, मजा आया, पता नहीं क्या क्या लग जाता है ये ना। तो भाई चलो फिर चलते हैं घर की तरफ और आगे की कहानी घर पे पहुंच के देखते हैं। चलो यार मेरे हैं।
फाइनली चल दिए दुकान की तरफ। थोड़ा सा सामान पड़ा था, मतलब पुराना एसी था, तो इसको रख देंगे वहां पे, पापा के ऑफिस में इसको लगा देंगे और देखते हैं जो पापा को करना वो करेंगे उसका। तो जा तो रहे थे शॉप की तरफ, पर भाई एक भाई का आ गया फोन, उसने बोला भाई चलना है हमें सोना रोड, बल्लमगढ़ यही है, फरीदाबाद में ही है, पास में थोड़ा सा है 30 किलोमीटर। तो बोला कि वहाँ चलना है कुछ काम से, तो मैंने कहा चलो भाई पहले वहीं चलते हैं, उसके बाद आके शॉप को ओपन करेंगे। तो भाई चलते हैं पहले सोना रोड, दिखाते हैं आपको थोड़े से वहाँ के नज़ारे। नज़ारे क्या यार, रोड पे ही जाना है, रोड रोड का काम है, एक पेपर दे के आना है किसी बंदे को। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं और फिर मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। बल्लमगढ़ की तरफ गाड़ी है, यहाँ में 200 किलो तो धूल जम रही है और नया का एसी चले, और देख खिड़की खोल के नो ही ले जा रहा, मतलब जी दुखी है हमारा तो, यही मानना जा रहा है मैं इतने दिन से गोली दे रहा है, आज लेके ही जा रहा जबरदस्ती। चलो दिखाते हैं फिर तुमको आगे के नजारे। कहते मशीन रोड बनाने की मशीन है, देखी कभी तुमने यूपी में? फाइनली निकल रहे हैं अब यहाँ से सोना रोड से। बेसिकली बोला था पेपर वर्क है, पर पेपर वर्क नहीं था, भाई को कुछ खरीदना था ट्रैक्टर वैक्टर का अपना सामान, तो वो लेके डाल दिया डिग्गी में, और अभी आगे एक छोटा सा काम हो रहा है उसको निपटाते हैं और फिर चलते हैं वापस अपनी दुकान की तरफ। दुकान के पीछे फाइनली चल दिए घर की तरफ, कुछ भाई आ गए थे मिलने के, हमारे बंटी भाई हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारी वीडियो डेली देखते हैं, उसको लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, और बहुत शानदार कमेंट है कि मुझे ड्रॉप कर दोगे आगे तक, ये भाई का कमेंट आता है। इस भाई से तुम मिल चुके हो नितिन, ये भाई पहली बार दिख रहा होगा, ये अपना अंकित भाई है जिसका मैं हर वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ, ये अपना भाई है, ये भाई भी है। अब चलते हैं घर की तरफ, घर पे जाके व्लॉगिंग करते हैं, बाकी की जो बची कुची है आई डोंट नो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, पर भाई पसंद तो आ ही रहा होगा जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ जाओ यार हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मुझे एक महीने में 1K पहुँचाने हैं। इट्स मतलब अंग्रेजी में जो भी कहते हैं भाई, कमेंट करो, सी यू, मैं तो बोल रहा हूँ सी यू, चलो कोई बात, तो भाई ठीक है मिलते हैं भाई बाद में, और प्लीज वीडियो को वायरल कर दो, मजा आया तुम्हारी कसम, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। फाइनली घर, शकल अजीब सी हो रही होगी भाई क्योंकि कुछ करने के लिए देखो सामान सारा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी पेंट चल रहा है, अभी नीचे वाले पोर्शन में बचा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में बचा हुआ है। हाँ ये थोड़ा सा एरिया कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा अपर क्लीन लग रहा होगा, पर ग्राउंड लेवल में देखोगे तो हम भी गद्दे पे ही सो रहे हैं, बेड पे नहीं सो रहे अभी, वो मतलब पेंट हुआ था तो सूखा नहीं है। तो भाई आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में जो कि है कल का दिन, देखते हैं कल क्या होता है हमारे दिन में स्पेशल, क्या नहीं होता है। तो भाई मिलते हैं कल, जाने से पहले भाई देखो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 305 और 306 के आसपास हो चुके हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, अब देखूंगा रात में, जो मेरे पर नोटिफिकेशन आई है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। पर हाँ भाई प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई मजा दो, मतलब 1000 चाहिए मेरे को, अब वो कैसे होंगे कैसे नहीं वो तुम जानो,
अब वो और लोगों की तरह माँ की कसम इनकी कसम उनकी कसम नहीं दूंगा मैं। अच्छी लगे तो जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्दी कल के वीडियो में। तो भाई जब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम है मेरी तरफ से। तो भाई मिलते हैं कल, सब्सक्राइब करना ना भूलें बस भाई, और व्यू पूरा नहीं। चलो मिलते हैं फिर भाई कल। हाँ आ गया आ गया आ गया, आ गया।